गाय हाथी अपने बच्चों को कितने दिन में जन्म देती है? डॉग यानी कि कुत्ते की तरह नहीं 6 महीने पे अधिक दिन लेती है, लेकिन कितने दिनों पर? आप वीडियो के अंत तक बने रहे और भी आपको जानकारी मिलेगा हाथियों के बारे में वीडियो के अंत। गाइस कौन सा जीव जंतु है जो कि आपस में यानी कि आपस में वहाँ कभी नहीं झगड़ते हैं? जैसे कि कुत्ते हैं बहुत आपस में अपने ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मनुष्य तो आपस में बहुत अधिक लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक जानवर है जो आपस में कभी नहीं लड़ते झगड़ते हैं, मनुष्य को सीखना चाहिए। यहाँ क्या है? हाथी। हाथी को आप नहीं देखे होंगे कि आपस में कभी लड़ते झगड़ते, वहाँ एक दूसरे को हेल्प ही करते हैं मुसीबत के समय। इसलिए हाथी से आदमियों को सीखना चाहिए कि कभी आपस में लड़ना नहीं झगड़ना नहीं चाहिए। कौन सा जानवर है जो कि वह प्रतिदिन स्नान बिना किए हुए नहीं रह सकता है? आप उसे अपने घरों में कैद करके रख रहे हैं तो उनको प्रतिदिन स्नान कराना ही पड़ेगा, नहीं कराने पर वह गुस्से हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हाथी, हाथी प्रतिदिन स्नान अपने खुद से करे या आप लेकर उसे नदी पोखर में करवाए, लेकिन आपको प्रतिदिन हाथी को स्नान कराना ही पड़ेगा, वह सबसे अधिक साफ सुथरे जानवरों में समान। गाइज आपने कभी देखे हुए हैं जो कि घोड़े का झुंड? आप लोग हम लोग नहीं देखे होंगे, कह जाएगा देखे हुए हैं, आपने देखे हुए हैं, लेकिन कैसा? प्रत्येक घोड़ा प्रत्येक आदमी का होता है जिस प्रकार से आप झुंड देखते, लेकिन लवारिस जानवरों की तरह आपने कभी घोड़ा देखा है? नहीं देखा है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप अफ्रीका के जंगलों में जाकर बहुत सारे अधिक के घोड़ों को देख सकते हैं जाकर। गाइस क्या हाथी जैसे कि कोई फर्श यानी कि पक्के या जमीन में कोई रुपए गिर गए, 1-2 रुपए का सिक्का गिर गए, तो क्या हाथी उसे नहीं उठा सकता है? आप लोग कहें कि नहीं, क्योंकि सूंड से वह मोड़ कर कैसे रुपए के उठा सकता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि वो अपने सूंड से ही सांस लेता है, वह सांस के जरिए 1 रुपए 2 रुपए या कितने प्रकार के रुपए अगर गिरे हुए हैं तो वह पूर्ण रूप से वह उठा सकता है आपके सांस के जरिए खींच कर। गाइस पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के घोड़े हैं, जो कि कितने घोड़े पृथ्वी पर अवेलेबल हैं? आपके हमारे सामने कोई भी घोड़ा नहीं दिखता होगा या गाँव में 1 से 2 से अधिक घोड़े नहीं दिखते होंगे, तब भी पूरे पृथ्वी पर कितने घोड़े हैं? 6 करोड़ लगभग सर्च किया गया है अनुमान के अनुसार कि 6 करोड़ पृथ्वी पर घोड़े पाए जाते हैं, जो कि सबसे अधिक अफ्रीका में पाया जाता है। जो घोड़े जो होते हैं वह नाक से मुंह से सांस क्या ले सकते हैं? मैं पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ जी, जैसे कि मनुष्य से नाक और मुंह से सांस लेकर वह जीवित रह सकते हैं, मुंह से भी सांस लेते हैं नाक से भी सांस लेते हैं, लेकिन घोड़े नाक के अलावा वह मुंह से सांस कभी नहीं ले सकते हैं, उनको जीवित रहने के लिए नाक से ही सांस लेना पड़ता है मुंह से। जैसे कि झुंड, यहाँ के बहुत सारे झुंड चल रहे हैं हाथी का, बहुत सारे, उसमें से अगर एक हाथी मर जा रहे हैं तो क्या होगा, झुंडों को क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि कोई सदस्य में एक व्यक्ति मर जा रहा है तो पूरे सदस्य रोते हैं, उसी प्रकार हाथी वह बहुत अधिक सारे जितने हाथी हैं वह सब मिलकर गरज गरज कर रोते हैं, विभिन्न प्रकार के आवाजें निकाल निकाल के, जैसे कि मनुष्य के तरह रोते हैं गरजते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज क्या अपने आँखों को एक समय में दोनों तरफ देख सकते हैं? जैसे कि एक इस साइड, लेकिन दोनों आँखों को दोनों साइड यानी कि दोनों इधर भी और इधर भी एक ही समय पर देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख सकते हैं? आप एक बार ट्राई जरूर करें। लेकिन कौन जीव है जो देख सकता है? गिरगिट, यानी गिरगिट छिपकली है जो एक समय में दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड एक ही समय में देख सकता है सेम समय में। अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए एक सुझाव है। क्या सुझाव है? अगर आपके खेतों में टमाटर या कोई सब्जी लगाए हुए हैं, उसको कौवे है जो परेशान कर रहे हैं, यानी कि अपने आपके पक्के टमाटर को खा जा रहे हैं, सब्जी को खा जा रहे हैं, उसको बचने के लिए एक उपाय है, आप एक पॉइजन ले और एक टमाटर में डालकर कौवे को यानी मृत्यु यानी कि मुआ सकते हैं। उसके बाद एक कौवे को आप लटका दे बड़े खंभे में, उसको देखकर कोई भी कौवा उस खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। कौन सा जीव जंतु है जो 2 साल पर बच्चे जन्म देते हैं? एक है जिनका नाम है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि गर्भ के समय से वह 2 साल के बाद जन्म देते हैं, यानी कि कुत्ते की तरह जो डॉग होते हैं वह 6 मंथ पर 6 बच्चे, 6 चाइल्ड,
फिर 6 मंथ पर फिर 6 चाइल्ड, ऐसा नहीं होता है। हाथी यानी हाथी को 2 साल पर वहाँ अपने बच्चों जो कि गर्भ के समय से वहाँ 2 साल के बाद जन्म देते हैं, यानी कि कुत्ते की तरह जो डॉग होते हैं वह 6 मंथ पर 6 बच्चे 6 चाइल्ड, फिर 6 मंथ पर फिर 6 चाइल्ड, ऐसा नहीं होता है। हाथी यानी हाथी को 2 साल पर वह अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फिर उसके अगले 2 साल पर। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।